Yeah, so let us start with simple past tense. है ना, simple है ये. किसी ने कोई काम किया या किया था. मतलब basically here we talk about any action that happened in the past. जो पहले काम जो है वो खत्म हो गया है पास्ट में. अगर हम देखें नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में तो हम बहुत सारी बातें यही करते हैं जो हो गई हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आई एट फूड, आई मेट माई फ्रेंड, आई प्रिपेयर फूड, आई हैड लंच, और आई आई वेंट टू पिकनिक. ज्यादातर बातें जो है हमारी पास्ट में क्या करा है उसी की होती है ना. तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस, बहुत सिंपल है ये. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, शी प्रिपेयर फूड, उसने खाना बनाया. इसको ऐसे ज्यादा सिंपली समझो, किसी ने कोई काम किया या किया था. स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो काम करता है ना, और ऑब्जेक्ट जिसपे काम होता है. कटप्पा किल्ड बाहुबली. किसने मारा? कटप्पा ने. कटप्पा है सब्जेक्ट. किसको मारा? बाहुबली. बाहुबली है ऑब्जेक्ट. आई एट आइसक्रीम. किसने खाई आइसक्रीम? मैंने. तो मैं हूँ सब्जेक्ट. वैसे ही सेंटेंस में शी है सब्जेक्ट और प्रिपेयर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस इसका, शी डिड नॉट प्रिपेयर फूड, या फिर शी डिडंट प्रिपेयर फूड. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, या डिडंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अभी जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि डिड आ गया ना ऑलरेडी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. ठीक है, पास्ट है फिर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा क्योंकि डिड ऑलरेडी आ चुका है. ओके, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस कैसे पूछना है. क्या तुमने स्वीट्स अरेंज करी? डिड यू अरेंज स्वीट्स? अगेन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगेन आई वुड से डिड आ गया ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. डिड आ गया है इसलिए सेकेंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है. सो या दैट इज इट अबाउट सिंपल पास्ट टेंस.